यह दृश्य है सदर प्रखंड सिसो पश्चिमी का, बागमती नदी किनारे करीब करीब यह पंचायत बसा हुआ है। बाढ़ के समय में तूफान पर आती है तो इस पंचायत में पानी घुस जाता है। जगह कटाव भी हैं, मुख्य सड़क जो पंचायत में गया है कई जगह कटाव हैं पानी के कारण। कई लोगों से हमारी बात हुई, इन्होंने अपना मिली जुली प्रतिक्रिया दिया। लोगों का कहना है कि जो वर्तमान मुखिया है उन्होंने कार्य किया है, उनके स्तर से जो कार्य होना चाहिए वो तो कार्य हुआ है, लेकिन बहुत ऐसे कार्य हैं जो उनके स्तर से ऊपर की चीज़ है। लोगों को फायदा हुआ, शौचालय बना, सड़क बना, टी गली बना, नल जल योजना पर अच्छा कार्य हुआ, लेकिन कुछ ऐसे सड़क हैं जो आपसी विवाद के कारण नहीं बन पाया जैसा कि लोगों ने कहा। वहीं वर्तमान मुखिया शमसी आलम खां जो सिसो पश्चिमी के मुखिया है, उनका कहना है कि मैंने तन मन धन जनता का सेवा किया, हमारे पंचायत में सभी प्रकार के पदाधिकारी जनप्रतिनिधि आ चुके हैं, लगातार मैं अपने पंचायत के विकास के लिए प्रयासरत हूँ। पर भी हमें उम्मीद है कि हमारे कार्यों को देखकर यहाँ के जनता हमें मुखिया पद पर पुनः चुनकर भेजेगी। अब देखना यह है कि समय किस तरफ करवट लेता है। लोगों ने क्या कहा आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। स्थिति जनरल का और जगह से अच्छा ही है, और जगह से अच्छा ही है, मेरे वार्ड में भी अच्छा है, हर एक वार्ड में अच्छा है, लेकिन हमारे पंचायत से और जगह देखते हैं उससे अच्छा है मेरे पंचायत का। वार्ड का क्या कहेंगे, पंचायत में मेरा अच्छा है। अच्छा, पंचायत की क्या स्थिति है अभी? पंचायत का स्थिति भी सही है। जो आपके वर्तमान में मुखिया हैं क्या उन्होंने काम किया है? हाँ, काम किए हैं, वो भी काम किए हैं, काम नहीं किए हैं सो बात नहीं, काम वो भी किए हैं। कैसे काम की बात करते हैं आप? जैसे मुखिया का फंड जो है वहीं तक हम बात करेंगे ना, रोड नाला हुआ और बहुत सारा जितना फंड उनको मिला है उसके हिसाब से जो काम हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। जहाँ तक वृद्धा पेंशन की बात हो या राशन कार्ड की बात हो, तो वृद्धा पेंशन में जिसका समय पूर्ते गया है, उम्र पूर्ते ही गया है, उस हिसाब से अपना वृद्धा पेंशन सब एक्टिव खुद जनता अपने हैं तो मुखिया भी कराए हैं। हमारे यहाँ का उप मुखिया है, उनका वृद्धा पेंशन में या ज़्यादा भूमिका है कि वो ज़्यादा काम किए हैं, मेरा उप मुखिया। अच्छा, ये कौन सा पंचायत है? सिसो पंचायत है। कौन सा? पश्चिमी। अच्छा, देखा है कि आपके पीछे में जो सड़क नहीं बन रहा है उसका क्या कारण है? बनने नहीं देता है यहाँ के लोग सब। क्यों नहीं बनने देता है? कहता है ऊँच हो जाएगा, हमको पानी चल जाएगा आंगना में। अच्छा, इसीलिए नहीं बनने देता। नहीं बनने देता है। तो इसके लिए आप लोगों ने कहीं मुखिया से या किसी से आप लोगों ने बात किया? हाँ, मुखिया सरपंच के कोई बात नहीं वैल्यू देता है। अच्छा, सब थक गया है। अच्छा, किसी को नहीं वैल्यू देता है। अच्छा, तो ये अभी जो चुनाव है उसमें मुखिया जी काम किए हैं आपके क्षेत्र में? अभी इधर नहीं किए हैं। इधर कोई काम नहीं किए हैं? कैसे लोगों का चुनाव कीजिएगा? कैसा लोग आना चाहिए? अच्छा लोग आना चाहिए जो काम करे। अच्छा, ये जो नल जल योजना है वो आपके वार्ड में हुआ है काम? नल जल हुआ है, इधर आने ही नहीं देता है। नहीं आने देता? नहीं, बंद कर देता है। वहाँ तक गया था अति लंग तक। अच्छा, बंद कर दिया। अच्छा, नहीं आने दे। तो माने सड़क नहीं बनने दे रहा है? नहीं बनने दे रहा है। क्या नाम है आपका? फूलपरी देवी। क्या कुछ मिला सुविधा? सुविधा में घर द्वार भेटले। घर द्वार किसके द्वारा मिला? किसके द्वारा मिला? सब मुखिया सब कलखिन है। मुखिया सब कलखिन है। अच्छा, और कुछ काम है जे अभी तक न होले यहाँ के वार्ड में? हाँ, बाथरूम के पाई भी नहीं भेटलखी न। बाथरूम के पैसा नहीं मिला? नहीं। अच्छा, और जो है बार बार बुनी के पाई सब दे नहीं अलखी ना? नहीं आया। हाँ। बार आया था? हाँ, बार आया था। बार घर अंगना में ठेकल छलखी ना। अच्छा, कुछ फायदा हुआ आप लोग को उससे? कुछ नहीं। कुछ फायदा नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आप जो चुनाव आएगा तो कैसे लोगों को चुनिएगा आप? आए कैसा आदमी का चुनाव कीजिएगा आप लोग? आप से सब देखवा तेहन सन देखब तेहन सन चुनाव करवाए कि कौन में फायदा है कौन में घाटा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? लीला देवी। पंचायत में तो देखिए क्या सब काम है। आप बताइए, चूंकि आप यहाँ के निवासी हैं, क्या कुछ कार्य हुआ इस पाँच साल में? पाँच साल में हमको तो क्या वही दिख रहे हैं, रोड बना है। रोड बना है। अच्छा, जो वर्तमान आपके जनप्रतिनिधि मुखिया हैं या सरपंच हैं या वार्ड मेंबर हैं, उनके द्वारा क्या कार्य हुआ आपके आपके क्षेत्र में? हम तो अंदर घर में रहते हैं। ठीक है, क्षेत्र में क्या हुआ नहीं हुआ? अच्छा, मान लीजिए आपके अगल बगल या मान लीजिए जो नल जल योजना है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप?
नंदन योजना है इस के समय में क्या कहेंगे, नंदन जाति के रोड तो देखिए रहे हैं, रोड देखिए रहे हैं। एक और से कहता है क्या 10 फीट ऊंच कीजिए, एक और से कहता है कि नाला नहीं होगा, यही नाला में होगा। किसी का घर लिया है तो लिया घर में पानी ढुका दीजिए, यही है उचित। तो क्या होना चाहिए इसके लिए, क्या होना चाहिए? जो समाज जो है, जो अपना जो मुखिया रहे सरपंच रहे, अपना ईमानदारी से जैसे बनना चाहिए वैसा ही ना बनेगा, वैसा ही ना कार्यकर्ता कर्म होना चाहिए। यहाँ मुखिया का वैल्यू नहीं करता है, सरपंच के वैल्यू नहीं करता है, विधायक का वैल्यू नहीं करता है। कौन नहीं करता है वैल्यू? पब्लिक नहीं करता, पब्लिक नहीं करता। क्या अच्छा, गलत कर रहे? अच्छा वर्तमान आपके जो मुखिया है उनके द्वारा कार्य हुआ क्षेत्र में? हाँ हुआ है, हुआ है। क्या नाम है आपका? जी आप क्षेत्र घूम के आए, हमारे पंचायत का दर्शन करके आए हैं, धन्यवाद देता हूँ मैं अपनी तरफ से आपको, दरभंगा दर्शन न्यूज़ को। मुझे क्या बोलना है, मेरी जनता बोली है आपको, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जनता बोली होगी, आपको पता होगा। जनता ने मुझे 10 साल का कार्यकाल दिया, पंचायत समिति सदस्य चुना, मुखिया चुना, और हम बड़े ईमानदारी के साथ अपने पंचायत पर खड़े उतरे, कहीं ना कहीं मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। पंचायत में हम इतिहास दोहराने का काम नहीं किया, इतिहास रचने का काम किया। पंचायत में मैं इतिहास रचा हूँ, पंचायत में मैं इतिहास रचा हूँ। बहुत स्थिति गड़बड़ थी हमारे पंचायत की, सारी व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश 80% व्यवस्था हमने ठीक किया, क्योंकि हमको 3 साल का मौका मिला। 1 साल कोरोना काल में गुजर गया, 1 साल मुखिया भर से सरकार की लड़ाई लगी रही उसमें गुजर गया। 3 साल के कार्यकाल में समझ लिए कि हम बहुत हद तक वार्ड पंचायत का कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ हमने विकास का काम नहीं किया हो, जहाँ हमने रोड नाला नहीं बनाया हो, जहाँ शिक्षा व्यवस्था पर हम ध्यान नहीं दिया हो। किसी स्कूल ऐसे नहीं है, किसी स्कूल पे हम दौरा नहीं किया हो। बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील कराया हूँ, उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 1 लाख रुपया निजी कोष से डोनेट दे करके और अच्छा से अच्छा सुंदर बनाने का काम किया हूँ। कोई पंचायत के अंदर आवास हो, शौचालय हो, वृद्धा पेंशन हो, वृद्धजन पेंशन हो, किसी चीज़ में या बाढ़ राहत की राशि हो, किसी भी चीज़ में 1 रुपया घूस कमीशन लेने का काम नहीं किया। वह भ्रष्ट मुखिया में से मैं नहीं आता हूँ, मेरी समाज, मेरी समाज जो हमें इज्जत देती है, सम्मान देती है, यही कारण है कि मैं ईमानदारी पूर्वक अपने पंचायत का काम किया, लोगों का सहयोग मिलता चल गया और सारे जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मेरे साथ मिला, जिस कारण सारे समाज के लोगों का सहयोग मिला, जिस कारण मैं बहुत हद तक काम किया। मेरे माननीय मुख्यमंत्री भी मेरे पंचायत में आए, पंचायती राज मंत्री भी मेरे पंचायत में आए हमारे रीजन में। हमारे यहाँ प्लस टू स्कूल नहीं थी, हमारे रीजन में प्लस टू स्कूल हुई, और भी बहुत सारा चीज़, बहुत सारे प्रधान सचिव हमारे पंचायत में आए, कमिश्नर साहब हमारे पंचायत में आए, 2-2 बार तीन बार DM साहब हमारे पंचायत में आए, और प्रथम विकास पदाधिकारी साहब लोग तो आते ही जाते रहते हैं, CEO साहब लोग जैसे काम रहा आवश्यकता अनुसार वो लोग तो आते ही रहते हैं। तो हमने ऐसा काम किया और कहीं ना कहीं देश में अपने पंचायत का नाम किया है, प्रदेश में नाम रोशन किया है। गर्व से सीना चौड़ा करके लोग सर उठा के शिशु पक्षी पंचायत का नाम लेता है। अगर मैं वसूली वाला मुखिया होता तो आज ये सम्मान मेरे पंचायत को नहीं मिलती। एक एक जनता को वोट देने वाले जनता, न देने वाले जनता, सबका मान सम्मान, हमने सबका गर्व से सीना चौड़ा कर सर उठाने का काम किया, किसी का सर अपने पंचायत में जनता का झुकने नहीं दिया। इसलिए मैं पक्ष विपक्ष सबका धन्यवाद देता हूँ कि सब ने मेरा सहयोग दिया, तब जाके हमने पंचायत विकास का काम करने का कोशिश। पंचायत में सीधा सीधा अगर संपर्क किसी जनता का होता है तो मुखिया के प्रति उनका संपर्क होता है। लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वर्तमान में जो मुखिया हैं उनके द्वारा सभी कार्य किए गए हैं, ठीक है, जो कुछ कार्य कुछ बचे हुए हैं वो सरकार की नीति के कारण ही ऐसी हुए। रही बाढ़ की बात तो इस बार अभी तक कुछ मिला नहीं, और लोगों ने कहा कि वो भी प्रयासरत है और सरकार की जो योजना है वो 100% इस पंचायत में लागू हुआ, ऐसे लोगों का कहना है। जी अब लाइव रिलेशनशिप मेरा हमेशा पंचायत की जनता से बना रहा, और मैं बता दूं कि मैं ही एक ऐसा मुखिया रहा 625 पंचायत का, कि जो प्रतिदिन अपने आवास पे 4 घंटा समय देता है। हम बोर्ड लगा देख लीजिए, हम अपने मुझसे नहीं करें, बोर्ड लगा कैमरा थोड़ा घुमा दीजिए, वो जो लगा हुआ है 8 बजे से 10 बजे तक, तो उस प्रतिदिन आवास पर हम बढ़ते हैं।